हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम ये टॉपिक का सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फाइव प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक का सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए फॉर द फोर्स सिस्टम शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, यहां जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस का हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट ए। ये देखिए ए पॉइंट यहां पे है, यहां पे हमें मोमेंट लेना है। यहां टोटल कितने फोर्सेस हैं, तो यहां टोटल चार फोर्सेस है। ये देखिए चारों फोर्सेस का हमें मोमेंट लेना है एट पॉइंट ए। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वही रहेगा जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें मोमेंट अप्लाई करना है तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमती है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। द फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड अ मोमेंट फोर्स। और मोमेंट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला होता है मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलो हम मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। यहां टोटल चार फोर्सेस है, चार में से दो हॉरिजॉन्टल है और दो वर्टिकल है। ये देखिए ये दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है और ये दोनों फोर्सेस वर्टिकल है। यहां कोई भी इंक्लाइंड फोर्स नहीं है। अगर इंक्लाइंड फोर्स होता तो हमने इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व किए होते, इट मींस उसको दो पार्ट में डिवाइड किए होते बाय यूजिंग द एंगल। फिलहाल यहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और सभी का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो चलो हम यहां पे मोमेंट अप्लाई करेंगे एट पॉइंट ए। तो हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ All the forces at point A, that is summation of MA. M stands for moment. और ये summation का symbol है। यहाँ पे जितने भी forces हैं, सभी forces का moment का हमें summation करना है। और summation करने का rule है clockwise जाने वाले forces plus, जो भी forces clockwise है A point के respect में उसे plus में लेना है और जो भी anti clockwise है उसे हमें minus में लेना है। तो यहाँ पे summation of MA मतलब क्या, summation of MA मतलब summation of मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट अप्लाई करते समय सबसे पहले आपको मोमेंट का रूल अप्लाई करना चाहिए। मोमेंट का रूल पहले अप्लाई करो। मोमेंट का रूल क्या है, मोमेंट का रूल हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे। मोमेंट का रूल है कि आप मोमेंट जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। आपने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो ये देखिए यहां पे जो टोटल चार फोर्सेस है, चार में से कितने फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे वो आप चेक करो। जो भी ए से पास हो रहा है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो यहां चार में से दो फोर्सेस है जो ए से पास हो रहे हैं, एक है 50 न्यूटन और एक है 60 न्यूटन। ये देखिए ये जो 50 न्यूटन है ये डी टू ए जा रहा है, इट मींस ये ए के तरफ जा रहा है तो ये ए से पास हो रहा है तो ये जीरो। उसी तरह से ये जो 60 है ये बी टू ए एक्ट हो रहा है, बी टू ए जा रहा है इट मींस ये ए की तरफ जा रहा है तो ये फोर्स भी जीरो। तो यहां पे टोटल चार में से ये दो फोर्सेस जीरो हो गए। जो दो फोर्सेस जीरो हो गए वो मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएंगे और जो फोर्सेस सेफ है बस वो मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। तो चार में से दो फोर्सेस जीरो हो गए क्योंकि वो दो ए से पास हो रहे। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस जो बचे हैं ये दोनों फोर्सेस सेफ है, ये दोनों में से कोई भी ए से पास नहीं हो रहा है तो ये दोनों जो है वो इक्वेशन में आएंगे। तो चलो ये दोनों को इक्वेशन में लेंगे। लेकिन इक्वेशन में अगर आप लेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, क्योंकि हमने समीकरण का यहां रूल बताया है कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसे प्लस में लेना है और जो भी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसे माइनस में लेना है। तो चलो हम यहां चेक करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट ए पे है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है, इसके पहले के हर एक वीडियो में हमने बताए थे। जैसे आप लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जैसे आप कंपास का यूज करते हैं तो कंपास को जैसे आप रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो सर्कल बनता है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां चेक करके देखना है। ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा आपको मान के चलना है। मोमेंट जो पॉइंट पे है वो पॉइंट पे ये दोनों में से एक फिंगर वहां रखो और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ। क्या कहा हमने,
देखो यहां पे हमने मूवमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई किया है, तो दोनों में से एक फिंगर जो है वो ए पे रखो, तो हम ये फिंगर ए पे रखते हैं। तो ये देखिए ये जो फिंगर है ये हमने ए पे रखा, ये देखिए, और जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में हमें घुमाना है। ठीक है, मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर ये जो फिंगर है ये हमने ए पे रखे। 70 को हम चेक कर रहे हैं, देखो 70 न्यूटन, ये जो 70 है ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो ये जो 70 न्यूटन है ये नीचे जा रहा है। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर ये जो फिंगर है ये हमने ए पे रखे, और 70 ऐसा नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, देखो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, अगर हाथ को ऐसा नीचे घुमाएंगे तो ये 70 हो गया क्लॉकवाइज। देखिए ये जो 70 है ये 70 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो 70 आएगा प्लस में, तो ये हमने यहां पे लिखना है 70 प्लस में इनटू ए से लेके 70 तक का डिस्टेंस, वो हम लिखेंगे 5। मोमेंट का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले बताए थे, मोमेंट यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस लिखते समय हमेशा आपको चेक करना है कि वो डिस्टेंस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बताए थे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लेना है और वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है। ये देखिए यहां पे भी हम लिख के देते हैं, ये काफी आसान है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे गलती करते हैं, डिस्टेंस लिखते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती होती है, तो गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखने का, और अगर आप वर्टिकल फोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखने का, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस हमें दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसा शो करना है। तो यहां पे हमने 70 इंटू 5 लिखिए, ये देखिए ये जो 70 है ये 70 एक वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना 5 मीटर, ये वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसलिए हमने लिखे 70 इंटू 5, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइनली 70 क्लॉकवाइज हुआ इंटू 5, देन एक और फोर्स बचा है वो है 80, 80 राइट साइड जा रहा है, तो चलो 80 को चेक करते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। 80 एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो इसका जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 80 को क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे चेक करना, मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर दोनों में से कोई भी एक फिंगर ए पे रखो, या तो ये फिंगर ए पे रखो या तो ये फिंगर ए पे रखो। चलो हम यहां पे फिर से ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखते हैं, और ये जो दूसरा फिंगर है ये हम फोर्स के डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। ये फिंगर हमने ए पे रखा, तो ये देखो ये फिंगर हमने ए पे रखा, और ये जो फोर्स है ये 80 को हम चेक कर रहे हैं, 80 ऐसा राइट साइड जा रहा है तो हाथ को ऐसा राइट साइड में इधर घुमाओ ऐसे, तो ये हमने ऐसे घुमा दिए। ये देखो 80 हमने 80 इधर जा रहा था, फोर्स इधर जा रहा है, तो जहां पे फोर्स जा रहा है वहां पे आपको ऐसे हाथ घुमाना है, तो ये हमने ऐसा रखे थे, ये देखिए ऐसा रखे, और ये हम हाथ को इधर घुमा रहे ऐसा, इधर ऐसा, ये देखिए ये ऐसा, ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो ये हमने लिखेंगे -80 इंटू डिस्टेंस 5, इंटू डिस्टेंस 5 कैसे, क्योंकि हमने कहा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस आपको लेना है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ 5। ये देखिए यहां पे दिया है 5, इसलिए हमने 5, क्योंकि हमने रूल बताए थे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस आपको लिखना है, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिखे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या आता है, ये 70 इंटू 5 तो ये हो गया 350, -80 इंटू 5 तो ये हो गया 400, तो फाइनली इसका आंसर आता है -50 न्यूटन मीटर। तो ये देखिए ये हमने मोमेंट यहां पे फाइंड आउट कर लिए -50 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन आंसर माइनस में आया, आंसर माइनस में आया, इसका मतलब ये जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम यहां से माइनस को रिमूव कर देते हैं और 50 न्यूटन मीटर ये हम प्लस में लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में हमें लिखना है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें लिखना है यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मोमेंट का आंसर माइनस में आया इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने समेशन करते समय यहां पे रूल बताए थे कि क्लॉकवाइज जाने वाले सभी फोर्सेस पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज वाले निगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव साइन स्टैंड फॉर क्लॉकवाइज तो निगेटिव साइन स्टैंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज, आंसर इसका माइनस में आया, इसका मतलब मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने माइनस रिमूव करके यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लिख दिए। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, तो ये हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिए, तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये था मोमेंट ऑफ अ फोर्स का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए।
इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।